मिनी वुडन व्हीकल्स। एक गांव में विनोद नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो लकड़ी के कई किस्म के सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाता था। विनोद के पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने बेटे पिंटू को खुद ही पालता था। एक दिन जब पिंटू स्कूल में था, तब बंटी नाम का लड़का मोबाइल पर बात करते हुए अपने मिनी कार में चक्कर लगा रहा था। अचानक वो कार आकर सीधा पिंटू से टकराई। तब पिंटू, अरे यार बंटी, बड़ों को तो दिमाग है नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन तुम तो छोटे लड़के हो, क्या तुम नहीं जानते कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए? सेल फोन ड्राइविंग बहुत खतरनाक है ना? बंटी, ए आफ्टर ऑल तुम एक कारपेंटर के लड़के हो और मैं करोड़पति का लड़का, और तुम मुझे नसीहत देते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे गाड़ी के सामने आओ? मेरे कार के टायर की कीमत भी तुमसे ज्यादा है और तुम मुझे कर दिखाते हो? पिंटू, बस यही घमंड ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी करोड़पति है तो चाहे जितनी मर्जी खिलौने खरीदो, लेकिन अगर तुमने दूसरों को परेशान किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जानते हो, मेरे पिताजी भी मेरे लिए लकड़ी के खिलौने बनाकर देते हैं। बंटी, हाँ हाँ लकड़ी के खिलौने? अरे तुम्हारे पिताजी क्या बना कर देंगे, लट्टू या फिर क्रिकेट का बैट? हाँ, वो भी खिलौने है ना। अगर तुम्हारे पिताजी इतने काबिल है तो मेरे पास जो खिलौने हैं वैसे मिनी व्हीकल्स बनाकर दिखाने को कहो। पिंटू, अरे इसके लिए मेरे पिताजी की क्या जरूरत है, मैं खुद बनाकर दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें एक खिलौना बनाकर कल लाकर दूंगा, उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, देखते जाओ। बंटी, हाँ हाँ देख लेंगे। उस दिन शाम को एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े को पिंटू तराशने लगा। उसने काफी देर तक मेहनत की और एक डबल डेकर बस बनाया। उस लकड़ी के बस को देखकर विनोद दंग रह गया। विनोद, अरे बेटा इतना बढ़िया लकड़ी का खिलौना बनाया, तुमने कहाँ से सीखा? पिंटू, पिताजी मैं आपका एकलव्य शिष्य हूँ, आपको बनाते हुए देखकर मैंने सीख लिया है। विनोद बहुत खुश हुआ। अगले दिन पिंटू उस डबल डेकर बस में बैठकर स्कूल गया। उसने उस बस में बैठकर स्कूल के चक्कर काटे। बच्चों ने उसे देखकर ताली बजाई। बंटी पिंटू के पास आकर, भाई ये क्या पिंटू, मेरे अमेरिकन व्हीकल से तुम्हारा ये लकड़ी का बनाया हुआ व्हीकल बहुत ही सुंदर है। मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें कम आंका और तुम्हारा अपमान किया। मुझे ये डबल डेकर बस बेच दो ना प्लीज। पिंटू, ठीक है ले लो, मैं से और कई बस बना सकता हूँ। बंटी ने उसे पैसे देकर वो बस खरीदा। एक लड़का पिंटू से, यार पिंटू मुझे डबल डेकर ऑटो चाहिए, क्या तुम मुझे बनाकर दोगे? ऐसा ऑटो ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलता यार। एक लड़की, पिंटू तुम मुझे लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाकर दोगे? लेकिन हाँ, उसे हवा में उड़ना होगा, चाहे उसे बनाने के लिए जितना मर्जी पैसे खर्च हो जाए, मैं अपने पिताजी से दिलवा दूंगी। पिंटू, और जिस जिसको जो भी चाहिए वो पहले ऑर्डर देगा, उसी को बनाकर दूंगा। बाकी बच्चों ने भी और कई व्हीकलों की मांग की। स्कूल के बाद शाम को पिंटू वो लकड़ी के वाहन बनाने लगा। उसने लकड़ी का डबल डेकर ऑटो बना कर दिया। बाद में उसने लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाया। उस हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाकर वो लड़की बहुत खुश हुई। उस डबल डेकर ऑटो में बैठकर वो लड़का सारे गांव के गलियों में घूमा। ये सब देखकर विनोद हैरान रह गया। एक दिन विनोद अपने बनाए हुए लकड़ी के कुर्सी बेचने के लिए फर्नीचर के दुकान पर गया। उस दुकान का मालिक सुरेश, अरे क्यों भाई विनोद, सुना है कि तुम्हारा बेटा लकड़ी के बड़े अच्छे अच्छे वाहन बना रहा है, गांव भर में बस इसी की चर्चा हो रही है। एक काम करो, अब से तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर वो मिनी व्हीकल्स बनाना शुरू करो, मैं उन्हें ऑनलाइन में बेचूंगा, भाई तुम्हारा भी अच्छा खासा मुनाफा होगा और मुझे भी कमीशन मिलेगा, क्यों क्या कहते हो? तब विनोद, मेरे बेटे ने ये सब शौक पूरा करने के लिए बनाना शुरू किया, लेकिन लगता है अब ये एक बिजनेस हो गया है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था साहब, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। आप तुरंत ऑनलाइन स्टोर खोलो, आप उसका नाम पिंटू वुडन टॉयज रखो, चाहे ऑर्डर जितना बड़ा क्यों ना हो हम आपको सप्लाई करेंगे। इस तरह पिंटू और विनोद मिलकर कई किस्म के लकड़ी के वाहन बनाने लगे।
ऑनलाइन में वो वाहन बहुत बिकने लगे। सुरेश विनोद को वो पैसे देने लगा। विनोद ने बहुत जल्द अपने लिए एक बहुत बढ़िया घर बनाया। पिंटू गरीब बच्चों को लकड़ी के वाहन मुफ्त में बांटने लगा।